स्क्रीन शेयर मेरे यहाँ से हो रही है, स्क्रीन शेयर आपको हो गई है। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है ना हमारा, वो है डाटा एनालिसिस और डाटा की इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये हम किस तरीके से करते हैं, ये हमने दो चीजें जो है वो डिस्कस करनी है। ठीक है, अब डाटा एनालिसिस और डाटा इंटरप्रिटेशन जो है वो कैसे करते हैं हम, और क्या इसका मतलब है। ठीक है, ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन यह है कि फिर भी हम इसको जो है वो एक नजर जो है वो देखेंगे। इसमें सबसे पहले डाटा एनालिसिस और डाटा इंटरप्रिटेशन में हमें पता होना चाहिए कि डाटा हम स्टार्ट जब करने लगे हैं डाटा एनालिसिस, तो डाटा का वर्ड जो है वो हमने पहले भी जो है वो इसे पढ़ लिया हुआ कि डाटा क्या होता है। एक रॉ इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसके अंदर से जो है वो जब हम उसको अरेंज कर देते हैं तो वो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है। सबसे पहले जो रॉ मटेरियल होता है हमारे पास, जिसका कोई सर पैर नहीं होता, ठीक है, जो अरेंज फॉर्म में नहीं होता, उसको हम डाटा कहते हैं। कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है हमारे पास, उसको हम डाटा कहेंगे। ठीक है, अब डाटा को एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है। एनालिसिस का मतलब होता है आपने डाटा को कैटेगराइज करना है, उसको ऑर्डर में रखना है। ठीक है, मैनिपुलेशन एंड समराइजिंग ऑफ डाटा, आपने ये चारों काम करने हैं। आपने डाटा को कैटेगराइज करना है, उसको ऑर्डर में है जो लेके आना है, उसको मैनिपुलेट करना है और समराइज करना है डाटा को, टू ऑब्टेन दी आंसर्स टू द रिसर्च क्वेश्चन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाटा एनालिसिस कहते हैं। और डाटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि आपने जो एनालिसिस किया है उसका रिजल्ट जो है वो निकालना है। ठीक है, उसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन करना। इंटरप्रिट करना मतलब अखज करना या मतलब निकालना। ठीक है, तो जो एनालिसिस आपने किया है उसमें से जब आपने चीजों का जो है वो रिजल्ट निकालने, तो उसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मेक्स इन्फ्रेंसिस पर्टिनेंट टू द रिसर्च रिलेशन स्टडीड एंड ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द रिलेशन। तो ये क्या करता है कि कंक्लूजन वगैरह जो है वो निकालता है जितने भी होते हैं रिसर्च के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे पास एनालिसिस हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया, और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है इसके अंदर के मेथड्स क्या है डाटा इंटरप्रिटेशन के। ठीक है, मेथड्स कौन कौन से होते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के, कि आप डायरेक्ट विजुअल ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो टेबल्स की फॉर्म में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, मैथमेटिकल मॉडलिंग जो है वो करने के बाद जो है वो हम डाटा इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। डाटा जो है हमने आगे भी डिस्कस कर लिया कि एक रॉ फॉर्म का मटेरियल होता है, उसको हम डाटा कहते हैं। ठीक है, डाटा जब इंफॉर्मेशन कब बनती है, इंफॉर्मेशन तब बनती है जब वो एक कह लो कि अरेंज फॉर्म जो है उसकी हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास एक अरेंज फॉर्म में डाटा आ गया है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास डाटा है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास ये कुछ ना लेवल्स आ जाते हैं कि सबसे पहले हमारे पास डाटा होता है। ठीक है, डाटा किस फॉर्म में है, जो कि अरेंज फॉर्म में नहीं है, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन बनती है जब वो थोड़ा अरेंज फॉर्म में आ जाता है, फिर वो फैक्ट बनता है, और फिर लास्ट में वो क्या बन जाता है, नॉलेज बन जाता है। ठीक है, तो ये लेवल्स हैं इंप्रूविंग डिसीजन मेकिंग के। ठीक है, कि लेवल्स हैं कि जो डाटा है वो किस तरह से अरेंज होता है, और वो लास्ट पे क्या बन जाता है, हमारे पास डाटा होता है, इन्फॉर्मेशन बनती है, फैक्ट हो जाती है, और फिर लास्ट पे नॉलेज आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो मेन चीज आती है कि इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, जिस तरह से हमने पहले बात की कि इंटरप्रिटेशन क्या होता है, कि आपने इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने हैं, आपने रिजल्ट्स जो है वो निकालने हैं, देखने हैं कि इसका मतलब यही बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंटरप्रेट करना, मतलब अखज करना, मतलब निकालना, किसी बात को समझना। अगर हमारे ये रिजल्ट्स आए हैं तो इस रिजल्ट का ये मतलब है। ठीक है, आपने इस रिसर्च की है, रिसर्च के रिजल्ट्स आ गए हैं, अब आपने उन रिजल्ट्स का डाटा इंटरप्रेट करना है, उनका डाटा जो है वो निकालना है। तो आपको पता चलेगा कि मेरी रिसर्च के अंदर इतने परसेंट लोग फीमेल थी, इतने परसेंट जो थे वो मेल थे, तो इसका मतलब ये है कि इस पॉपुलेशन के अंदर मेल जो है वो ज्यादा इंटरेस्टेड है, फीमेल कम इंटरेस्टेड है। इतना कुछ भी जो डाटा अखज करती है, डाटा निकालती है, रिजल्ट्स वगैरह निकालती हैं, वो आपका इंटरप्रिटेशन के प्रोसेस के अंदर जो है वो चला जाता है। ठीक है जी, इंटरप्रिटेशन क्या ना, ये एक कहते हैं कि एक डिवाइस है, इंटरप्रिटेशन इज द डिवाइस, यानी इंटरप्रिटेशन एक ऐसी चीज है जिसको आप यूज करते हुए अपने रिजल्ट्स को बेटर से बेटर जो है वो कर सकती हैं, अपने रिजल्ट रिसर्च को इम्प्रूव कर सकती हैं। ठीक है, इंटरप्रिटेशन हम क्यों करते हैं, इंटरप्रिटेशन हम इस तरह से करते हैं ताकि हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो बेहतर हो। ठीक है, हमारे रिजल्ट जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सके हम उनको। ठीक है, उनको ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो विजुअलाइज कर सके, तो इसकी वजह से हम इंटरप्रिटेशन का प्रोसेस जो है वो करते हैं। आगे हमने कुछ टेक्निक्स जो है वो डिस्कस करनी है, टेक्निक्स क्या होती है इंटरप्रिटेशन की। ठीक है, तो टेक्निक्स भी आता है हमारे पास के किस तरह से आपने जो है ना वो प्रोसेस करना है। सबसे पहला जो जो टेक्निक है वो ये है कि आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर ली, अब आपने उसके अंदर से रिजल्ट ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसको पहले रिटर्न फॉर्म में जो है वो लिख लेना है। ठीक है, प्रॉपर लाइंस जो है वो उसकी अरेंज हो, और आपने उसको जो है वो लिख लिया। उसके बाद आपने क्या किया,
ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रेनियस इंफॉर्मेशन, ठीक है, यानी एक तो वो इंफॉर्मेशन है जो आपके पेज के ऊपर लिखी हुई है, इसके अलावा वो वाली इंफॉर्मेशन जो आपने बाहर से ली थी, आपने उनको भी क्या करना है, कलेक्ट कर लेना है और उसको भी जो है वो कंसिडर करते हुए अपने फाइनल रिजल्ट्स जो है वो तैयार करने हैं। तो दो तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो आपने अपनी डाटा इंटरप्रिटेशन में जो है वो इस्तेमाल करनी है, ठीक है। उसके बाद ये फर्दर उन्होंने स्टेप्स बताया हुआ है कि अगर आप डाटा इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो आपने क्या करना है कि आपने जो है वो फॉल्स जनरलाइजेशन नहीं करनी, यानी ये नहीं कि आपने अपनी जान छुड़ाने के लिए क्या कहा कि मेरे रिजल्ट्स जो है ना वो सब पे अप्लाई हो रहे हैं, बल्कि आपने ध्यान से अपने रिसर्च रिजल्ट्स को देखना है कि किस किन किन चीजों पर ये रिसर्च के रिजल्ट जो है वो अप्लाई हो रहे हैं और किन किन चीजों पर ये जो है वो ये अप्लाई नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो फॉल्स जनरलाइजेशन जो है वो आपने नहीं करनी और ना ही आपने फॉल्स इंटरप्रिटेशन करनी है, ठीक है। ये नहीं कि आपके रिसर्च के रिजल्ट कोई और बन रहे थे तो आपने तो और बना दिए, तो ये इस तरह से बिल्कुल नहीं करना। डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ मेथड्स होते हैं, वो कौन कौन से मेथड्स होते हैं, वो कौन कौन से टूल्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। विजुअली स्कैनिंग द डेटा, सबसे पहले आता है कि हम विजुअली स्कैन कर सकते हैं, यानी अगर आपने डेटा इंटरप्रिट करना है ना तो अपनी आंखें यूज करें, जो आपकी आंखें हैं उनसे आप देखें, विजुअलाइज करें, ठीक है। डाटा जो आपके पास आया हुआ है उसको आपने पहले देखना है, ठीक है, उसमें से आपने मैक्सिमम कंक्लूजन निकाल लेने हैं, ठीक है, कि आपने अभी देखा और आपने आप कितनी चीजें जो है वो उसमें से निकाल सकते हैं, तो आपने उतनी चीजें मैक्सिमम उसमें से निकाल लेनी है। इसको हम कहते हैं विजुअली स्कैनिंग द डाटा। सबसे पहले आपने स्कैन करना डाटा को, उसके बाद जी स्टैटिस्टिक्स का प्रोसेस जो है वो लगा सकते हैं। हमें पता है कि स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में हम बेसिकली कलेक्ट करते हैं डाटा को, एनालाइज करते हैं, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह जो होती है उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के टूल जो है वो आप यूज करते हुए जो है वो डाटा उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। पहला था कि आपने विजुअली स्कैन करना है, दूसरा है कि आपने स्टैटिस्टिक्स के टूल्स जो है वो लगाना है और उसके थ्रू जो है वो आप डाटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि एनालिसिस क्या होता है, वो तो हमने इंटरप्रिटेशन का पढ़ लिया, अब एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस का जो है वो क्या उन्होंने डिफाइन किया कि स्टैटिस्टिक्स जो है उसको हम कलेक्ट एनालाइज करने के लिए भी यूज करते हैं। ये एनालिसिस जो है वो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन के अंदर दूसरा पॉइंट है कि हम डाटा को एनालाइज करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का मेथड यूज करते हैं। तो एनालिसिस होता है क्या, किस चीज को बारीक बीनी से आप देख रहे हो, ठीक है, उसको अच्छे से जो है वो देख रहे हो ताकि उसको जो है वो आप देख सको कोई गलती वगैरह तो नहीं होगी, ठीक है। डाटा जो था वो एक्यूरेट था बिल्कुल, डाटा जो था वो हमारे पास जो है वो सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है, उसको अच्छे से आपने एनालाइज करना है, जांच पड़ताल करनी है उसकी अच्छे से, ठीक है, उसको अच्छे से देखना है कि कोई मसला तो नहीं है डाटा के अंदर। तो ये प्रोसेस होता है वो क्या होता है एनालिसिस का, कि हम कॉम्प्लेक्स चीजों को जो है उसमें से सिंपलेस्ट चीजों में जो है वो कन्वर्ट कर सके। तो अब हमने दो तरह की जो टर्म्स थी वो पहले भी पढ़ी थी, एक होती है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, एक होती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल जो थी उसमें हम क्या करते थे, इन्फ्रेंशियल में हम क्या करते थे, ठीक है, स्टैटिस्टिकल में तो हमने सिंपल यही पढ़ा था कि हम बायोस्टैट के जो सिंपल मेथड्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं। इन्फ्रेंशियल में होता है कि हमने कोई कंक्लूजन जो होता है वो निकालना होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि डाटा एनालिसिस के लिए ना हम ये दोनों मेथड्स जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप एनोवा का मेथड यूज कर सकते हो, एनोवा का मेथड आपने अपनी बुक के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है, कोरिलेशन यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप रिग्रेशन का मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है, कोरिलेशन का हमने उस दिन भी पढ़ा था सारा, कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट, तो ये जो है चीजें हमने पहले डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसको जो है वो आपको दोबारा से डिटेल में नहीं बता रही, कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन क्या होता है, ठीक है, नोवा वगैरह। तो ये टूल्स जो है ना आप यूज कर सकते हो इसके लिए डाटा एनालिसिस के लिए। आपसे अगर कोई पूछता है कि भाई डाटा एनालिसिस आप कैसे करोगे, तो आप कहोगे कि भाई हम एनोवा के थ्रू कर सकते हैं, हम कोरिलेशन के थ्रू कर सकते हैं, हम रिग्रेशन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप पी वैल्यू लगा सकते हो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो हमने उस दिन डिस्कस की थी कि पी फॉर प्रोबेबिलिटी वैल्यू, ठीक है। तो पी वैल्यू लगा के जो है वो आप डिस्कस कर सकते हो, अपने रिजल्ट्स को जो है वो एनालाइज कर सकते हो, ठीक है जी। डिफरेंट पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स होते हैं और डिफरेंट नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। ये पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स और नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के अंदर एनोवा वगैरह और रिग्रेशन कोफिशिएंट वगैरह ये सारे लाइक करते हैं, ठीक है, इनके नाम है, इनके एग्जाम्पल्स हैं बेसिकली, ठीक है, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक। तो पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के जरिए आप अपने रिजल्ट का एनालिसिस कर सकते हो और नॉन पैरामीट्रिक जो है वो स्टैटिस्टिकल टेस्ट के जरिए जो है अपने रिजल्ट का एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है जी। इंटरप्रिटिंग क्वालिटेटिव डेटा, आगे उन्होंने कहा कि अगर
हमने क्वालिटेटिव डाटा निकालना हो तो फिर हम उसको किस तरह से हम उसमें से रिजल्ट्स निकालेंगे, ठीक है। तो आपने क्वालिटेटिव डाटा यूज करते हुए हमेशा बाइसनेस का ख्याल रखना होता है, क्योंकि रिसर्चर जो होता है ना वो सबसे ज्यादा बाइसनेस का शिकार होता है जब वो क्वालिटेटिव डाटा इकट्ठा कर रहा होता है। बाइसनेस हमने उस दिन पढ़ा था कि बाइसनेस क्या होता है, एनी स्लैंट और डेविएशन फ्रॉम द ओरिजिनल डाटा, कि आप ओरिजिनल डाटा से जो है वो डेविएट हो रहे हो, ठीक है। आपका ओरिजिनल डाटा कुछ और कह रहा है लेकिन आप उस पर्सन की बेस पे या आप जो है ना उस सारे डाटा को खराब करके उस पर्सन की साइड जो है किसी की साइड ले लेना आप ये कह लो, ठीक है। तो उसकी साइड लेते हुए आपने डाटा को जो है किसी एक तरफ आपका डाटा शिफ्ट हो रहा है, इसको हम कहते हैं बाइसनेस आ गई आपके रिजल्ट के अंदर, ठीक है। तो इसको हम बाइसनेस कहते हैं। तो क्वालिटेटिव डाटा के अंदर सबसे ज्यादा मसला बाइसनेस का होता है। इस तरह से मैंने कहा जब भी आपने इंटरप्रेट करना है क्वालिटेटिव डाटा को तो आपने क्या करना है, आपने जो बाइसनेस है उससे सेफ रहना है, बाइसनेस को जो है वो अंदर नहीं आने देना आपने, ठीक है। वरना बाइसनेस आ गए तो आपका डाटा सारा खराब हो जाएगा और रिजल्ट्स भी सारे खराब आएंगे। तो क्वालिटेटिव डाटा का एनालिसिस करते हुए आपने ख्याल रखना है कि कोई भी करेक्ट वे नहीं है क्वालिटेटिव डाटा को एनालाइज करने के लिए। सिर्फ आपने क्या करना है, आपने एक तो बायसनेस से दूर रहना है और इसके अलावा आपने डाटा प्रेजेंटेशन या इंटरप्रिटेशन इस तरीके से करनी है कि आपको जो है वो इफेक्टिव रिजल्ट्स जो है वो मिल सके, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये सारी चीजें हम करते हैं। दोबारा से ये बार बार डेफिनेशन दिखाने का मकसद ये है, आपको याद रहे कि हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं और ये दोनों जो है वो स्टैटिस्टिक्स का जो है प्रोसेस थे, ठीक है जी। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन में हमारे पास क्या रहता है कि हमने डाटा इंटरप्रिटेशन जब भी करनी है आपको साइंटिफिक आइडियाज का पता होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से जो है डाटा का मतलब जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है कि आपके पास पर्सनल नॉलेज जो है वो भी होना चाहिए, ठीक है। पीयर रिव्यू प्रोसेस, अब ये पीयर रिव्यू प्रोसेस क्या होता है, पीयर रिव्यू प्रोसेस होता है जब भी कोई जर्नल वगैरह पब्लिश होने लगता है ना तो उसको ना पहले कह लें कि एक और पर्सन जो होता है वो देखता है उसको, स्क्रूटिनाइज करता है, उसको एनालाइज करता है अच्छे से कि कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है इसके अंदर या कुछ और इस तरह का कोई प्रोसेस हो इसके अंदर। तो उसको जब वो एनालाइज करता है ना उसके बाद वो आर्टिकल पब्लिश होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पीयर रिव्यू प्रोसेस, यानी उसने भी इसको एक दफा रिव्यू किया हुआ है। तो वो कहते हैं कि आपने अपना नॉलेज जो है वो भी यूटिलाइज करना है इंटरप्रिटेशन में, इसके अलावा पीयर रिव्यू प्रोसेस जो है वो भी यूटिलाइज करना है, यानी आपने किसी और से भी जो है वो मशवरा लेना कि भाई मैं ये ठीक कर रहा हूँ या नहीं ठीक कर रहा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आता है जी डाटा कलेक्शन जो है वो हमारे पास सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग होती है, जितनी भी हम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। और डाटा एनालिसिस का प्रोसेस अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाती है तो आपने लिख देना कि एनालिसिस प्रोसीजर्स जो होते हैं वो क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली अप्लाइंग द स्टैटिस्टिकल और लॉजिकल टेक्निक्स टू डिस्क्राइब एंड इलस्ट्रेट कंडेंस एंड रिकैप वैल्यूएट डेटा, ठीक है। कि आपने क्या करना है, सिस्टमैटिकली जो है वो स्टैटिस्टिकल रूल्स लगाने हैं या टेक्निक्स लगानी है। इन दोनों का मकसद क्या होगा कि आप डिस्क्राइब कर सकें, इलस्ट्रेट कर सकें, कंडेंस कर सकें, ठीक है, और इवेलुएट कर सकें अपना सारा डाटा। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम कहेंगे ये है डाटा एनालिसिस का प्रोसेस, ठीक है। अच्छा जी, हम क्वालिटेटिव रिसर्च में हमने आगे बात कर लिया कि हमने जो है वो क्या करना है, बाइसनेस से जो है वो दूर रहना है, ठीक है। और इसके अलावा एनालिसिस के जो फॉर्म्स है डिफरेंट, उसमें आ जाता है कि हमने जब एथनोग्राफी करनी होती है, फील्ड स्टडी करनी होती है, कंटेंट एनालिसिस करनी होती है या बायोग्राफी वगैरह करनी होती है, तो उसमें हम जो डाटा इकट्ठा करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में, ऑडियो टेप की फॉर्म में, वीडियो टेप की फॉर्म में, या नोट्स वगैरह हम जो है वो ले लेते हैं। तो इस तरह हम डाटा जो है वो इकट्ठा करते हैं जिनका हमने एनालिसिस करना होता है, ठीक है। कुछ इश्यूज भी जो है वो अंदर आ जाते हैं डाटा एनालिसिस के दरमियान, जो कुछ इश्यूज आते हैं, हो सकता है आपको क्वेश्चन आए कि भाई डाटा एनालिसिस आपने करना था, आपको कुछ इश्यूज जो है वो आ जाते हैं, वो कौन कौन से इश्यूज होते हैं जो आते हैं। इसमें आता है कि या तो जो डाटा इकट्ठा कर रहा है उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ठीक है, उसके पास नेसेसरी स्किल्स नहीं है, उसके पास मेजरमेंट टूल्स नहीं है, ठीक है, वो ऑनेस्ट नहीं है, या वो बाइसनेस का शिकार हो गया है, उसने डाटा जो है वो गलत रिकॉर्ड कर लिया है, या रिलायबिलिटी नहीं है, वैलिडिटी नहीं है, ठीक है। इस तरह से कोई भी मसला इनमें से कोई पांच जो है ना वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पांच कोई भी आप बता दें कि ये मसले अगर हो जाएंगे तो फिर जो है वो डाटा इंटरप्रिटेशन जो है वो मुश्किल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जी डाटा को समराइज करना है, जब आपने डाटा को एनालाइज कर लिया, ये टॉपिक हमने उस दिन पढ़ लिया था, इस तरह से मैं इसको जब जल्दी गुजार दी। डाटा को समराइज आपने जब भी करना है तो आपने टेबल्स की फॉर्म में करना है, चार्ट्स की फॉर्म में करना है, ठीक है। उसके अलावा आप ग्राफ बना सकते हैं अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने लास्ट टाइम बायोस्टैट के लेक्चर में पढ़ी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी।
और टेबल्स की फॉर्म में आप डाटा को जो है वो इंफ्रेंसेस कर सकते हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी बार ग्राफ बना सकते हैं, पाई ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, आपको पता है ना पाई ग्राफ किस तरह से होता है, 180 डिग्री का जो आपने गोल सर्कल में बनाया होता है। स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं, हिस्टोग्राम, इसकी डायग्राम एक दफा आप आगे देख लें, यहाँ पे डायग्राम जो है ना वो भी मैंने ड्रॉ की हुई है इस तरह से, ठीक है। ये पाई चार्ट है हमारे पास, ये पाई चार्ट है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास आ जाता है बार डायग्राम आ जाती है, ठीक है। ये पाई चार्ट है हमारे पास, दोनों पाई चार्ट हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ये एरिया चार्ट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये बार चार्ट आ जाता है, ठीक है। ये जब हमने डाटा एनालिसिस टूल या डाटा मेजरमेंट टूल जो थे वो डिस्कस किए थे स्टार्ट में, ये उसके अंदर आते थे, बार चार्ट है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये कॉलम चार्ट भी, हम इसे कहते हैं बार चार्ट भी कहते हैं, डाटा को एनालाइज करने के लिए हम इन चीजों को यूज करते हैं। ये पॉलीगोन है, ठीक है। हिस्टोग्राम, जब भी हमने फ्रीक्वेंसी को शो करना था तो हमने पढ़ा था कि हम हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा करते हैं, इस तरह से हमने जो है वो लेना होता है इंटरवल, क्लास इंटरवल, हमने यहाँ पे ले लिए सारे नंबर ऑफ वीक्स, यहाँ पे ले लिए, और हमने क्या करना है उनकी मिड वैल्यूज को आपस में जो है वो कनेक्ट करते जाना, तो इससे जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन जो है वो आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि वेरिएंट्स क्या होते हैं, वेरियस, ठीक है। पॉलीगोन होती है, हिस्टोग्राम होती है, स्टेप चार्ट है, पिरामिड हिस्टोग्राम है, इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपने ये चार्ट जो है ना इसमें से ये देखने हैं एक दफा, ये इतना इंपॉर्टेंट, मतलब अगर इस हिसाब से कहें ना कि आपको बोर्ड के पेपर में आ जाए कि डेटा एनालिसिस की आगे से भी आप कुछ करें, आपको ज्यादा से ज्यादा या तो डेटा एनालिसिस आप किस किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। डेटा एनालिसिस होता क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इससे ज्यादा जो है वो आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये लाइन ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन भी आता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन के ना स्टेप्स लिखें, तो फिर आपने ना ये चार स्टेप्स बस याद कर लेने हैं, रेलिवेंस ऑफ फाइंडिंग, रीजन फॉर फाइंडिंग, कंसिडरिंग अदर डाटा और कंडक्ट फर्दर रिसर्च। ये चार स्टेप जो है ना पूरी स्लाइड के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, कि आपने ये चार पॉइंट्स जो है आपको अच्छे से याद करने हैं। जब भी आता है कि डाटा इंटरप्रिटेशन आप किस तरह से कर सकते हैं, तो आपने ये चार स्टेप्स जो है वो मेंशन कर देने हैं, ठीक है। रेलिवेंस ऑफ फाइंडिंग, इसको हम साथ साथ देखते जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है रेलिवेंस ऑफ फाइंडिंग, यानी आपने क्या करना है कि आपने जो भी रिजल्ट निकाले हैं ना उनके अंदर आपने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, कैसे, थोड़ा सा कंपेरिजन करें उसको पिछले वाले के साथ, उसके कॉजेस देखें, उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखें, ठीक है। तो आपने फाइंडिंग्स जो है ना वो करनी है कि आपकी फाइंडिंग्स जो है वो कितनी रिलेट कर रही है पिछले वाले नॉलेज के साथ, ठीक है। सबसे पहले इंटरप्रिटेशन में आपने पहला स्टेप कर लिया कि आपकी फाइंडिंग्स कितनी रिलेट कर रही है, ठीक है। रेलिवेंसी ऑफ फाइंडिंग आपने कर ली, उसके बाद आपने सेकंड स्टेप देखना, रीजन फॉर फाइंडिंग, यानी आपने देखना है कि मेरी फाइंडिंग अगर किसी के साथ रिलेट कर रही है तो क्यों कर रही है, ठीक है। तो आपने फाइंड आउट करना है रीजंस फॉर फाइंडिंग, आपकी फाइंडिंग जो है वो अगर रेलिवेंसी है उनकी किसी के साथ तो रेलिवेंसी क्यों है। डेटा इंटरप्रिटेशन में पहला स्टेप है हमारे पास रेलिवेंसी ऑफ फाइंडिंग, दूसरा स्टेप है रीजन फॉर फाइंडिंग, ठीक है। तीसरा स्टेप हमारे पास होता है कंसिडर अदर डाटा, कि आपने क्या करना है दूसरे डाटा को जो है वो कंसिडर करना है, ठीक है। आपने दूसरे डाटा के जो क्वेश्चन है उनको क्लैरिफाई करना है, आपने रेशियो को देखना है, आपने रिव्यूज को देखना है, तो इन सब चीजों को जो है वो आपने देखना है, नजर में रखना है, कंसिडर करना है अदर डाटा को। उसके बाद हमारे पास आता है कि आपने सिचुएशन एनालिसिस करना है, इम्प्रूवमेंट डाटा जो है उसको परफॉर्मेंस उसकी देखनी है आपने, ठीक है। और लास्ट पे आता है कि कंडक्ट फर्दर रिसर्च, आपने फर्दर रिसर्च जो है जी वो करनी है, फर्दर एनालिसिस करने के बाद, इंटरप्रिटेशन करने के बाद आपने नेक्स्ट टॉपिक चूज करना है और उसमें जो है वो आपने रिसर्च करनी है। तो ये चार जो है ना हमारे पास प्रोसेस थे, रेलिवेंसी ऑफ फाइंडिंग, रीजन फॉर फाइंडिंग, कंसिडर द डेटा एंड कंडक्ट द फर्दर रिसर्च। तो ये चार प्रोसेस जो है वो आपने अच्छे से इनको एक दफा पढ़ लेना, इनको याद कर लेना, ठीक है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है ना इसके अंदर, ये स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है ना मैं चाहती हूँ कि आप बस वो एक दफा देख लें। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है वो हम एनोवा को ही कहते हैं, ठीक है। ये सारा उन्होंने वही लिखा हुआ कि आप एनोवा यूज कर सकते हैं, लेकिन आप डिटेल में ना जाइएगा क्योंकि आपका इतना डिटेल में डाटा इंटरप्रिटेशन में से क्वेश्चन जो है वो पहले नहीं आए हुए, ठीक है। और उसके बाद स्केल्स ऑफ मेजरमेंट भी हमने पहले डिस्कस कर लिया हुआ है, ठीक है। नॉमिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल है, ये हमने डिस्कस कर लिया हुआ पहले। और लास्ट पे हमारे पास जो एक और चीज मैंने आपको दिखानी थी, ये भी वही है, इंटरप्रिटेशन आप कैसे कर सकते हैं, टेबल्स की फॉर्म में, डायग्राम्स की फॉर्म में, मैप्स की फॉर्म में,
प्लॉट्स ड्रॉ करके, ठीक है, 3D व्यू के साथ में, एनिमेशन के साथ, ये वाली स्लाइड आप कर लीजिएगा इसमें से। और रिपोर्ट राइटिंग और प्रपोजल राइटिंग हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक और जो थी ना वो चीज थी, यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा जो है ना वो बताया हुआ था इसके अंदर, डाटा इंटरप्रिटेशन की ना इम्पोर्टेंस क्या होती है, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि डिसीजंस को बेहतर बनाने के लिए और ट्रेंड्स वगैरह को फाइंड आउट करने के लिए और रिसोर्सेज एलोकेशन के लिए हम जो है वो डाटा इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ और स्टेप्स भी उन्होंने बताए हुए थे, मैं देख रही थी। एक तो हमने वो स्टेप्स पढ़े हैं ना कि आपने फाइंडिंग्स वगैरह को देखना है, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ स्टेप्स भी हैं, अगर आपको, अगर आप भी चाहते तो आप इन दोनों में से कोई से भी जगह मेंशन कर सकती हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है, डाटा को गैदर करना है, कहाँ कहाँ से आपने डाटा लेना है इंटरप्रिटेशन के लिए, गैदर कर लिया डाटा को, उसके बाद आपने अपनी डिस्कवरीज डिवेलप करनी है कि आपने डिस्कवर क्या चीज की हुई है, ठीक है। आपने कंपैरिजन करना है अपनी रिसर्च का पिछले रिसर्च के साथ, लास्ट में फिर आपने कंक्लूजन्स वगैरह ड्रॉ करने हैं, फिर आपने रिकमेंडेशंस देनी है, ठीक है। तो ये इंटरप्रिटेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आप वो ज्यादा सुटेबल जो है ना वो स्लाइड्स वाली थी, वो आप चाहें तो वो आप कर सकती हैं, ठीक है। ज्यादा बेहतर वही है, वैसे मैंने आपको दिखा दिया कि ये इंटरप्रिटेशन के ना डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स जो है वो मेंशन किए हैं मैंने, ठीक है। अब आपने अपने जो है वो नोट्स निकालने हैं और उसमें से जो है वो डाटा इंटरप्रिटेशन वाला देखना है एक तो, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपने दो तीन जगहों से जो है वो भी इसको अच्छे से जो है वो देख लेना है।